17 नवंबर को मतदान के बाद सभी दलों के प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता से मतदान संबंधित फीडबैक ले रहे हैं और इसी कड़ी में हाटपिपलिया विधानसभा क्रमांक 172 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी ठाकुर राजवीर सिंह बघेल बुधवार को कांग्रेस कार्यालय पधारे और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं नेताओं पदाधिकारियों से 17 नवंबर को हुए मतदान से संबंधित विस्तृत चर्चा कर कार्यकर्ताओं के प्रति धन्यवाद प्रदर्शित किया। पत्रकारों से चर्चा करते समय कांग्रेस प्रत्याशी 3 दिसंबर को मतगणना के बाद अपनी जीत के और कांग्रेस सरकार बनाने के प्रति आश्वस्त और विश्वसनीय नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजवीर सिंह बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमें विश्वास है कि हमें बहुत ज़्यादा बहुमत अवश्य मिलेंगे और हम सरकार बनाएंगे, लेकिन किस दल का विधायक बनेगा और किस दल की सरकार बनेगी और किस दल को कितनी सीट आएगी, असली जीत और हार का पता तो मतगणना के बाद ही चल पाएगा। हाटपिपलिया से शाकिर मंसूरी की रिपोर्ट। भैया, मतदान के बाद प्रथम बार कार्यालय पर आगमन हुआ तो किस तरह कार्यकर्ताओं से किस तरह परिचय हुआ आपका? ये आज मतदान के बाद हमारे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के सभी संगठन के और सभी पोलिंगों के कार्यकर्ताओं से एक सामान्य मुलाकात थी। पोलिंग के समय मतदान क्या स्थिति रही और आने वाले समय में क्या स्थिति रहेगी, उन सभी चीज़ों पर चर्चा हुई। पूरे चुनावी समर में हमारा कार्यकर्ता हर पोलिंग पे मुस्तैदी से खड़ा था और उसी का परिणाम है कि हर पोलिंग से हमें पॉजिटिव रिपोर्ट मिल रही है और 101% हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस काफ़ी अच्छे मतों से विजय होगी, ऐसा मेरा कार्यकर्ताओं के मनोबल पे, कार्यकर्ताओं के भरोसे पे मुझे विश्वास है और कांग्रेस यहाँ से अच्छे मतों से विजय चुनाव होगी। भैया, मतदान के बाद में का समय 3 तारीख से पहले का किस तरह बीत रहा है, क्या क्या दिन भर क्या क्या गतिविधियां रहती है? और सबसे हर पोलिंग के नए नए किस्से सुनने को आ रहे हैं और सभी लोग अपना अपना अनुभव बांट रहे हैं, पारिवारिक सबसे संबंध रहे हैं तो एक बड़ा अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है कि सबके बीच में चुनाव की थकान से दूर होकर सब अपने अपने अनुभव सुना रहे हैं, अच्छा अनुभव हो रहा है। भैया बताएं कि पूरे विधानसभा में मतलब सभी समाज के लोग रहते हैं तो विशेष तौर पे इस बार काफ़ी समाजों ने आपका साथ दिया, तो कुछ जानकारियाँ कुछ रुझान कुछ मिल रहा है, किधर से सहयोग मिला आपको? चुनाव में समाज क्या होता है ये मेरी समझ में नहीं आता। सब आदमी सब इंसान हैं, सब हमारे साथी हैं, जिन्होंने मदद की वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर समाज के हर वर्ग के लोगों ने हमारी मदद की, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे धाकड़ समाज का हो, चाहे सेंधु समाज का हो, चाहे खाती समाज का हो, पाटीदार समाज है, गुजर समाज है, धनगर समाज है, राजपूत समाज है, सभी समाज ने समान रूप से हमारी मदद की है, तभी तो ये स्थिति बनी है कि हर पोलिंग पे हम कहीं ना कहीं प्लस हो रहे हैं। 252 पोलिंग में मैं दावा करता हूँ आपसे कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र में 252 पोलिंग है, एक भी पोलिंग ऐसा नहीं है कि जिसपे हमारे पिछले चुनाव से वोट घटेंगे, हर पोलिंग पे हमको बढ़त मिल रही है। मध्य प्रदेश में मतलब कांग्रेस बनाएगी अपनी मुख्यमंत्री और जीतेगी, तो क्या आपको क्या लगता है? मतदान के बाद जो प्रारंभिक रुझान आए हैं, अभी तो पार्टियों का एग्जैक्ट पोल सर्वे वगैरह नहीं आया है, पर जो हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे मध्य प्रदेश में, हमारे नेता हैं, उनसे जो चर्चा में हमको जानकारी मिली है उसके अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष का माहौल है और मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पे 140 से 150 सीट के बीच में कांग्रेस को मिलेगी और स्पष्ट बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में 3 तारीख के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भैया आखिरी सवाल के, पिछले चुनाव से मैं कुछ सीख करके कुछ नया कुछ करने को मिला इस चुनाव में? इस बार संगठन में बहुत सारे बदलाव माननीय कमलनाथ जी ने किए थे और उसकी हमको बहुत मदद मिली। पेज प्रभारी से लेके मंडलम सेक्टर तक के सारे हमारे पदाधिकारी एक्टिव थे, सबने बिल्कुल पूरी ताकत से पूरी शक्ति से अपना काम किया, जिसके कारण हर पोलिंग पे कसावट बनी नहीं। ऐसा 252 पोलिंग में ऐसा कोई भी पोलिंग नहीं रहा कि जहाँ हमारा आदमी नहीं रहा हो या जहाँ हमारा पोलिंग एजेंट नहीं रहा हो। दो तीन दिन एजेंट हमारे थे, उसके बाद भी बाहर लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ हर पोलिंग पे लगी रही, मतदाताओं को लाने में, उनकी मदद करने में, मतदान में, और बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। मैं अपनी ओर से, पूरी पार्टी की ओर से, जिला कांग्रेस की ओर से, ब्लॉक कांग्रेस की ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने स्वयं की ओर से मैं
सभी मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस शांतिपूर्ण मतदान में अपना हिस्सा लेकर इस लोकतांत्रिक परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।